हेलो बच्चों, मैं रिंकी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी हिंदी। हिंदी की बुक है ये हमारी स्वर्ण मुस्कान। स्वर्ण मुस्कान बुक है ये। वर्णमाला देखिए आप, जो कि हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। वर्णमाला में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, हर्षई दुर्गई, ई से इमली, जो कि इमली को हम लोग हर्षई हर्षई को बोलेंगे कि हर्षई से इमली, मतलब कि हर्षई और दुर्गई, जो कि हमको बताना था बता रहे हम कि हर्षई से इमली और दुर्गई से क्या है, ईक है। उसी तरह हम आते हैं हर्षऊ से उपहार, दुर्गऊ से ऊंट, री से ऋषि, ए से एड़ी और ऐ से ऐनक, ओ से ओस, औ से औरत और क्या ये अनुस्वार से अंगूठी और अभिसर्ग अह। इसी तरह नीचे देखिए, ये आपका होमवर्क है। ये होमवर्क तो आप लोग कर ही लिए होंगे। ये सारे डॉट्स को मिला के अ आ ई हर्षई दुर्गई हर्षौ दुर्गौ री ए ऐ ओ औ अनुस्वार अभिसर्ग अह, ये आपको बनाना था, बना लिया होगा आपने। तो अब हम आते हैं हमारे दूसरे चैप्टर में। ये यहाँ पे क्या है हमारा, पहला आता है क ख ग घ। क ख ग घ क्या है? स्वर वर्ण जो होता है हमारा वो अ आ ई था। और ये क्या है हमारे व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण में क्या आता है? क ख ग घ अंग, च छ ज झ या, ट ठ ड ढ मूर्धन्त न। इसी तरह तो क्या करते हैं आप, एक बार और हम इसको रिपीट कर लेते हैं। क ख ग घ अंग, फिर आता है च छ ज झ या, फिर यहाँ पढ़ेंगे ट ठ ड ढ न। तो क्या हुआ, ये हमारे व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण से हम शब्द भी बना सकते हैं, जो कि बनाना है हमें। तो क्या ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, क से होता क्या है। क से यहाँ पे क्या है, कमल। कमल को पढ़ते हैं क म ल, कमल। क से कमल। अब यहाँ देखिए ख में क्या है, ख से खरगोश। ख र, ख से क्या पढ़ेंगे हम, खरगोश। तो ख का खरगोश पढ़ते हैं खर। ख र ग में क्या है, ओ की मात्रा है और स तालव्य स, खरगोश। इसी तरह पढ़ेंगे ख र ग में ओ का तालव्य स, खरगोश। उसके बाद आते हैं ग पे, ग से क्या है, गमला। ग म ल में आकार, गमला। घ से पढ़ेंगे घड़ी। घ से घड़ी, घ बड़ी र में क्या है, दीर्घिकार की मात्रा है, घड़ी। घ र दीर्घिकारी, घड़ी। अंग, अंग से तो कोई शब्द नहीं बनता है। उसके बाद आते हैं च। च से क्या है, चटाई। च ट में आकार और क्या है ये, दुर्गई, चटाई। उसके बाद पढ़ेंगे छ से छतरी। छ त र दीर्घिकार क्या है, छतरी। र में क्या है, दीर्घिकार की मात्रा है, तो छ त र दीर्घिकार छतरी। उसके बाद आते हैं ज पे। ज से ये क्या है, जग। ज से जग, ज और ग दोनों मिल गया क्या, जग। उसके बाद आते हैं झ से झंडा। यहाँ झंडा देखिए कैसे लिखा हुआ है, झ आधा न उसके बाद ड में आकार की मात्रा, झंडा। लेकिन हम लोग इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो क्या है, झ
और ऊपर में क्या देंगे, अनुस्वार की मात्रा और ड में आकार ड, झंडा। तो हम लोग दोनों तरह से लिख सकते हैं। क्या है वहां हम लोग पढ़े थे वर्णमाला में, अ आ ई हर्षई दुर्घई हर्षऊ दुर्घऊ री ए ऐ ओ, उसके बाद क्या था औ, उसके बाद अनुस्वार की मात्रा था, अ में क्या था अनुस्वार, उसके बाद अविसर्ग आ। तो वही जो अ में अनुस्वार की मात्रा थी वो हम लोग यहाँ झंडा में लिख सकते हैं, जो कि यहाँ नहीं दिया हुआ है लेकिन हम बता देंगे बोर्ड पे। उसके बाद यहाँ क्या है य से भी कोई शब्द नहीं बनता है। उसके बाद आते हैं यहाँ ट पे, ट से क्या लिखा हुआ है यहाँ टब, ट से टब, ट ब टब। फिर पढ़ेंगे ठ से ठठेरा, ठ ठ एक आर र में आकार ठठेरा। फिर पढ़ेंगे यहाँ ड से डमरू, डमरू देखिए यहाँ फिगर में ड म र में क्या है दीर्घकार डमरू। उसके बाद आते हैं ढक्कन, ढ से ढक्कन कैसे लिखेंगे, ढ आधा क फिर पूरा क है उसके बाद न है, तो क्या होगा ढक्कन। ये क्या है न, न से कोई शब्द नहीं बनता है मूर्धन्य। उसके बाद ये क्या हो गया आपका, नीचे पढ़िए 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 और लिखिए। तो ये आप लोग का होमवर्क है जो कि आप लोग को करना है, सारे डॉट्स को मिला के क ख ग जो भी यहाँ पे डॉट में बना हुआ है इसको आपको पेंसिल से मिला के लिखना है। क ख ग घ अंग च छ ज झ य ट ठ ड ढ दंत न। फिर यहाँ पे आ गया अ आ ई हर्षई दुर्घई उ, ये सारे जो भी है आपका होमवर्क है ये आपको बनाना है। ओके थैंक यू।